स्टार्ट करते हैं। मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया है और उस पर टोमेटो सॉस लगाया है। पिज़्ज़ा बेस मैंने एक प्लेट में लिया है। अब इस पर हम अपना चीज़ ग्रेट करेंगे। आप मोज़रेला चीज़, प्रोसेस चीज़, कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इस पर प्याज लगाए हैं। हम कॉर्न पिज़्ज़ा बना रहे हैं, मुझे प्याज का फ्लेवर पसंद है। आप ओनली कॉर्न से भी बना सकते हैं या फिर आप उस कॉर्न के अलावा किसी भी वेजिटेबल्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कॉर्न ऐड कर दिए हैं। हम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम जितने भी कॉर्न ऐड करना चाहे कर सकते हैं। मैंने कॉर्न को उबाल कर फिर ऐड किया है। अब हम इस पर चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स भी आप आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम इसमें ओरिगेनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड करेंगे। मैंने इसमें ओरिगेनो ऐड किया है, आप पिज़्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं। बस ये तो तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से फिर से चीज़ लगाएंगे। मैंने चीज़ को क्यूब्स में काट लिया है, मोज़रेला चीज़ को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं वो इस पर ऐड कर दूँगी। मैंने ये ऐड कर दिया है। देखिए मुझे क्यूब्स में पसंद है इसलिए मैंने इसे इस तरह से लिया है। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम इस पर चीज़ और ग्रेट करेंगे क्योंकि चीज़ तो पिज़्ज़ा में बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग ऊपर से ऐड करेंगे। बस अब मैंने इसे तवे पर रख दिया है। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक तवा लेना है और इसे अच्छे से ढक देना है। जब तक चीज़ मेल्ट ना हो तब तक हमें इसे पकाना है। और देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है। कितना टेस्टी लग रहा है हमारा कॉर्न पिज़्ज़ा। मैंने पिज़्ज़ा की और भी रेसिपी शेयर की है, अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की अपडेट आसानी से मिल जाए। थैंक यू।